हम जस्ट सभी साहित्यकार श्रोता बहने साहित्यकार सर्वप्रथम मामा साहित्य मंच के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव जी आप सबका आभार। आपने मुझे आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया और साहब से महान है। तो ये आपको बताएं कि आंचलिक भाषा के साथ में दो शब्द और जुड़े हैं, अंचल और आंचलिकता। ऐसे तो अपना भारत है, जैसे अंचल का अर्थ गरीब प्रदूषण होता है क्षेत्रीय का, तो क्षेत्रीय का मतलब हमारा देश उसमें जो स्टेट है वो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर गठित किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि सभी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंचल कुछ दूसरी ही चीज है। अंचल और आंचलिकता को बताने के लिए पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इस आंचलिकता शब्द का प्रयोग किया और इस पर मतलब विचार मुझे रखा है। तो सन 1935 में जब जनपदी आंदोलन के तहत हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में ही हुआ था, पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ वो इंदौर में ही हुआ, और उसके सभापति पद से बोलते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप लोग जितने भी साहित्यकार हैं वो अपने साहित्य में गाँव का प्रयोग करें, गाँव क्यों वर्णित करें। उसके बाद हरिद्वार में हुआ यही सम्मेलन, वहां पे कहा कि गाँव की संस्कृति की रक्षा करें, इसका प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि अंचल शब्द जो है वो शहर से नहीं है, अंचल शब्द ग्राम को गांव को इंगित करता है। जो आंचलिक भाषा की बात करते हैं उस एक, क्योंकि अंचल शब्द का प्रयोग किया है तो और उसके जीवन को अभिव्यक्त करना है, इसलिए आंचलिक भाषा जो होती है उसका भाषा ही मूल सामग्री नहीं है, भाषा की ध्वनि, उसका स्वर, उसका माधुर्य, उसका निजीपन, उसकी अपनी विशेषता, बोलने की शैली, ये सब भाषा की पूर्णता प्रदान करते हैं। जब हम किसी विशेष अंचल की बात करते हैं, भूखंड की बात करते हैं, देखिए अंचल भी जो होता है वो एक तरह का व्यक्तित्व होता है, जिसके अंदर वो ऐसा भूखंड जिसका कि जीवन अन्य भूखंड से अलग हो, उनकी ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ये सब जो जीवन की दूसरी दूसरी विचारधारा है और इन सबके ऊपर जो हम बात करते हैं, तो इन सबका अलग विशेष महत्व था, सामान्य में से विशेष बाहर निकलता है। तो अंचल जो है वो हमें बताता है कि ये एक विशेष क्षेत्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो अंचल आपने जैसा कि बताया कि उस अंचल को व्यक्त करने के लिए आंचलिकता का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि मैं गुजरात से हूँ, इसलिए आपको थोड़ा गुजराती भाषा के विषय में और गुजराती आंचलिक भाषा के विषय में बताऊंगा। गुजरात भारत का ऐसा राज्य है हिंदी भाषी जहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है, और गुजराती भाषा अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है, जिसका कि पूरे विश्व में 14वां स्थान है बोलने में। जहाँ जहाँ गुजराती जाते हैं आपको जानते हैं कि इनकी व्यापार के लिए गुजराती लोग पूरे विश्व में जाते हैं, और वहाँ पर इनकी विशेषता यही होती है कि वो अपने माध्यम को, अपने शब्दों को बदलते नहीं। जो भी गुजराती किसी भी देश में जाता है वहाँ जाकर के अपनी ही भाषा का प्रयोग करता है। तो गुजराती के कुछ लेखक हैं, कुछ राइटर्स हैं जो कि आंचलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। पन्नालाल पटेल गुजराती के बहुत बड़े साहित्यकार हुए, के मुंशी, महात्मा गांधी, चंद्रकांत बख्शी, ये सब के सब उपन्यास कर रहे हैं जिन्होंने आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानियां लिखी हैं। ये क्योंकि वामा साहित्य मंच है इसलिए महिलाओं के विषय में बताएं कि वहाँ की जो आंचलिक कथाकार हैं जिन्हें आंचलिक भाषा का प्रयोग बहुत सघनता से किया और आज भी कर रही हैं, उनमें है कुंदनिका काकड़िया, जीवांशी सैलवत, पीरा अरुण मेहता और बिंदु भट्ट, ये लेखिकाएं प्रमुखता से आंचलिक कहानियों का, आंचलिक क्षेत्रों का अपनी कहानियों में, उपन्यासों में प्रयोग करती हैं। आपको कुछ उदाहरण मैं गुजराती के बताऊंगी, जो कि ये राइटर्स अपनी पुस्तकों में उसका प्रयोग करते हैं।
મને ગભરાવન થાય છે. અતિ લોકને પાપનું અધામણ કરતા અધામણ ભારે અલા હું છેના શું કામે ટેન્શન લ્યો છું. હિમાંશી જી કે લેખન મેં મહાવીર જૈસે કે અભી ઉન્હોને બતાયા થા કે મહાવીર જો હૈ વો અપને આપ મેં એસે વાક્યાંશ હોતે હૈ જો અપના અર્થ છોડકર સાધારણ અર્થ છોડ કરકે એક વિશેષ અર્થ કો ઇંગિત કરતે હૈ. તો નવૈની લાજુ લાડી ઇસ મહાવરે કા મતલબ હૈ એક અકેલી શરીર જિસકા ઉપયોગ વહાં પર બહોત જ્યાદા ગુજરાતી ભાષા મેં આંચલ ભાષા મેં કિયા જાતા હૈ. ઠીકિયાદા કરતી મજાક ઉડાતી માથે તોલા હેતુ સર પર તના રહેતા ફરક રહ્યા કરે ડર બના રહેતા હૈ તનાળા એના વડાતી ચડે એવા નગરે વાલી. સ્થાનિક શબ્દ ગુજરાતી કે જો આંચલ ભાષાઓમાં ઉપયોગ કરે જાતે હૈ જિનકા અલગ હિ માધુર્ય હૈ. નવરા ધૂપ મિઠલ્લા નવરા ધૂપ મિઠલ્લા અર્ધે પડખે ઉંબળ ખાબર વિર્યામણ શોરપુર ચસોચસ જોર સે જબરદસ્ત ઓર દાદા રંગ અપન સફેદ રંગ કો ગોરા રંગ બોલતે હૈ લેકિન ગુજરાતી મેં દાદા રંગ કા મતલબ હોતા હૈ મૂર્ખ. ઓર રજલ્ય કરે હેરાન કરના. તો ઇનકી ગુજરાતી મુહાવરે ઓર કહાવત યે થોડા અપને યહાં કે જો માધ્યમ સે ઉનકા અલગ હોતા હૈ ઉનકા ઉચ્ચારણ કરને કા તરીકા અલગ હોતા હૈ લેકિન વો થોડા અલગ સ્ટાઇલ હોતા હૈ. તો કિસી પ્રકાર સે જો ગુજરાતી સાહિત્ય હૈ ઉસમે ઇન શબ્દો કા પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ. તો જો મતલબ ગુજરાતી આંચલિક ઉપન્યાસકાર હૈ વો તો આજકલ ઉસકા પ્રયોગ કરેંગે ઓર ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી આંચલિક ભાષા મેં જો ઉપન્યાસ લિખે જાતે હૈ ઉનકી પૂરી સહાયતા કરતે હૈ. ઓર Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.